नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। रीवा जिले के शाहपुर थाने में नहीं हुई कई दिनों से कार्यवाही, तो पीड़ित महिलाओं ने रीवा के डीजी कार्यालय के बाहर दिया धरना। मौके पर पहुंचे एसडीएम व प्रशासन ने महिलाओं को समझाया एवं धरना किया खत्म। जी हाँ, आपको बता दें, एडीजी कार्यालय में धरने पर बैठी महिलाओं को एसडीएम अनुराग तिवारी, डीएसपी गायत्री तिवारी, शिविर लाइन थाना प्रभारी तेंद्रनाथ शर्मा, आईजी कार्यालय के स्टेनो अरुण सिंगला, अहमिया थाना प्रभारी दीपक तिवारी के द्वारा महिलाओं को समझा। एसडी एवं पुलिस अधीक्षक एवं डीआईजी नवनीत भसीन के निर्देश में शाहपुर एवं खटखरी पुलिस ने सभी आरोपी को पकड़ा। आपको बता दें, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव द्वारा संभाग के पुलिसकर्मी को चेतावनी दी थाने में फरियादी से इज्जत से बात कर उनकी समस्या सुने। लापरवाही पुलिसकर्मी के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वही मानवता को देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा, अमिया थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने सभी महिलाओं को खाना खिलाकर वाहन से महिलाओं को घर भिजवाया। जी आपको बता दें, सैपुर थाना क्षेत्र से कई महिलाएं रीवा एसपी कार्यालय पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इनकी शिकायत का निराकरण नहीं होने पर महिलाओं ने रात्रि में कड़कड़ती ठंड में एडीजी कार्यालय के बाहर धरना दिया। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन पहुंच गया और महिलाओं को आश्वासन देकर धरना को खत्म करवाया। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आपकी खबर हमारी नजर। ये जाना है कोई तो कहीं हम वो आए कि नहीं आए, आवासीय वहाँ से 5 मिनट नहीं हुआ उनको वहाँ से निकलने, इसके बाद ये तोड़ फोड़ इन लोगों को घेरा, पत्थर मारना, अंदर घुसना, पूरा किचन को नष्ट कर देना, ये आतंकवादी है ना। ये नफरत करत पाए सब झूठ बोलता है। बाल के शरीर ये जो अवस्थी जो ऐसा दरोगा साहब से हटावा गई, सस्पेंड की गई, तब सत्या पानी पीने प्राण चला गई, हमेशा अन्याय दरोगा। ठीक आ गया, नहीं था आज जल्दी पहुँचे इज्जत कर रहे हैं, हम आपको अपना बच्चा मान रहे हैं, आपको हम आशीर्वाद देंगे। हमारे पास आपको बोला ना, मैं 3-4 बजे के पहले रीवा में आवाज से मान लिया सोनू, एक मिनट आप लोग शांत हो जाओ। हाँ, 2-3 सुषमा शर्मा, ये आप धरने में बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं? सर, हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ कल। क्या हुआ? कल आए यहाँ रात में मारने के लिए, सब लोग घर में घुस घुस कर मारते रहे, औरतों को मारने के लिए आए और मार कूट के चले गए, सब नुकसान किए, टंकी फोड़ दिए, लेट्रिन हमारी तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए। कौन लोग? नागेन शर्मा और उर्फ कन्हैया लाल और कई लोग, राजेन शर्मा, सब कूले परिवार सहित थे। कहाँ के रहने वाले? हटवा चक्कर नंबर 1 के। थाना कौन सा लगता है? साहिपुर। इसकी शिकायत आपने की है? हाँ, कर रहे हैं, भगा दीन हुए से जाके कहते हैं मर्डर तो नहीं कर दिए हैं। कौन कहा? अवस्थी। कौन कहा? अवस्थी, अब थाना साहिपुर। हाँ, बोलते हैं मर्डर तो नहीं हो गया आपके घर में। इसकी शिकायत आपने वरिष्ठ अधिकारी से की है? बार बार कर गए हैं वहाँ से जाकर, कोई सुनने वाला नहीं। रीवा में सगले करें, कोई सुनने वाला, आज तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग मजबूर में आए धरने में बैठने के लिए। डीआईजी साहब के यहाँ। कब तक बैठे रहेंगे धरने? जब तक निर्णय नहीं होगा इसका। ठंडी में हम चाहे मर जाएं चाहे जिए, जब तक निर्णय हमारा नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। लाला, हमारे नाती के गाड़ी में ठोकर मारी नरेंद्र नागेंद्र शर्मा, साहिपुर थाने का। हमारे नाती का रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करके आवा तो हमारे घरे मुपाद मचाए, माने गाली गुप्ता खूब घिनई घिनई देने लगा। हम उसके गोड़े गिरे, हाथ जोड़े, तब भी नहीं माना। फिर बेटवा हमार बाद में 1 तारीख का 20 जने हमारे दुआरे में मार घेर लीन, हम नाती का निकाल दें, कहा चक्कू से मारा, भी रिपोर्ट मांग गरहा करें। जी,
घटना की शिकायत कहाँ किए थे? साहिपुर माँ हमार नाती का हम गए नहीं आगे अकेले पहले के 30 तारीख कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कार्रवाई किया। काल जब हमारे घर में इतना तोड़ फोड़ हुआ 11 बजे से हमारे द्वारे में भीड़ लग गई, बासन से कैमरा खोल खोल अंदर सकाने सब तोड़ फोड़ मचाएं ढूंढ रहे। थाना प्रभारी दरोगा बालकेश सिंह के द्वारा हमरे लड़कन का घटना करा सकत है, बंदिश मंगा रहा था, गुंडा पाले हैं गांव में उनके सांस ही गुंडा पाले हैं बेटवा सब थे उनके लगे फोन के नंबर जात है घोंस ले था लानिया हमरे घोंस दे कर नहीं आए न के फोन करे वाला। हमारा नाती आया बेटवा 1 तारीख कहीं आप भेजन हम रीवा। अरे हम तो ऐसे 4 साल से दौड़ रहे हैं हमारे लड़के, अभी हम आज आई हैं रीवा, हमारा नाती सब अधिकारियों के पास पावती है, SP के यहाँ दिया, IG के यहाँ दिया और कहाँ कहाँ दिया सब पावती है, पढ़ लो। कहीं सुनवाई नहीं हुई बेटा, कल इतना आती हो गया हमारे घर में, तब हम 100 नंबर 11 बजे से लगा। ये साहिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हटवा गांव से आई हैं महिलाएं सत्या तिवारी और उनके परिजन हैं। इनका कहना है कि दूसरा पक्ष है जो इनके गांव का ही है जो इनके साथ वाद विवाद कर रहा है और इनके घर में तोड़फोड़ कर रहा है, जिसमें थाना में अपराध पंजीबद्ध है, उसमें दूसरे पक्ष को भी अभी पुलिस थाना साहिपुर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसमें अभी पूछताछ कर चल रही है, जैसे भी जो भी तथ्य आते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उनको समझाइश दी गई है, उनसे समय लिया गया है, दूसरे पक्ष को भी अब तो वो समाप्त हो चुका है और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जा चुके हैं।